टॉपिक क्या है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक, जिसमें हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हैमिंग कोड। हैमिंग कोड के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, डेटा बिट की, दूसरी पैरिटी बिट की। तो डेटा बिट वो होती है जो हम सेंड करना चाहते हैं, पैरिटी बिट वो होती है जो डेटा बिट के बीच में लगती है। तो हमें सबसे पहले हैमिंग कोड पढ़ने से पहले हमें क्या जानना है, पैरिटी बिट। तो अब हम शुरुआत करते हैं, व्हाट इज पैरिटी, ठीक है। तो यहां से शुरुआत करेंगे हम पैरिटी। हैमिंग कोड के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पैरिटी। पैरिटी, पैरिटी होती क्या है, पैरिटी मतलब पेयर में आने वाली डेटा, पी ए आई आर होता है पेयर, पेयर में आने वाला डेटा, पेयर में आने वाला डेटा। पेयर होता क्या है, व्हाट इज पेयर, पेयर क्या होता है, कॉम्बिनेशन, कोई दो चीज का जो, ठीक है। अगर मैं बात करूं फोन नंबर, अपन जब भी बताते तो क्या बोलते हैं, 99 88 77 66 400, ये जो बोलते हैं इसे बोलते हैं अपन पेयर, इसे क्या बोलते हैं अपन पेयर। अब हम बात करेंगे तो पैरिटी बिट क्या होती है, जो पेयर में आती है उसे बोलते हैं हम पैरिटी बिट। याद करने का तरीका हो गया। अब इसके लिए आगे अगर हम आगे बात करें तो पेयर में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे अज्यूम करें मेरे पास ये डेटा है, कितने बिट का डेटा है ये, 5 बिट का डेटा, 5, ठीक है। अब अगर मैं बिट बात कर रहा हूं तो इसमें कौन सी वैल्यूज आएंगी, बाइनरी वैल्यूज आएंगी। अज्यूम करते हैं मेरे बिट की वैल्यू ये है, अज्यूम करते हैं मेरे बिट की वैल्यू ये क्या है, 10110, ठीक है, 10110, ये मेरी बिट की वैल्यू है। तो अगर मैं बात करूं पैरिटी के अकॉर्डिंगली तो वंस, हाउ मेनी टाइम वंस आर कम, इसमें वन कितने टाइम है, थ्री टाइम्स। अब हम जब भी पैरिटी की बात करेंगे, ये क्लास ध्यान रखें, हम जब भी पैरिटी की बात करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ, इन अ फॉर्म ऑफ पेयर, वंस, वंस, इन अ फॉर्म ऑफ वंस, ठीक है। तो यहां वन कितने टाइम, कितने बार में है, कितने इसमें है, 3 बार। पेयर मतलब 2 के मल्टीपल, पेयर मतलब 2 के मल्टीपल में होना चाहिए, किसके मतलब में और मल्टीपल में होना चाहिए, 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो यार नंबर ऑफ वंस कितने टाइम है, 3 टाइम। इतना होना चाहिए था, या 2 होने चाहिए थे, या 4 होने चाहिए थे, 2 हो नहीं सकते क्योंकि अपन अपनी मर्जी से डेटा में चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, हम एक ऐसी स्टफिंग कर सकते हैं, स्टफिंग पड़ी थी ना अभी अपन ने, बिट स्टफिंग पड़ी थी, हम स्टफिंग कर सकते हैं इन द नेम ऑफ पैरिटी बिट, इन द नेम ऑफ पैरिटी बिट विच कंटेन पेयर, विच कंटेन पेयर। तो यहां पे नंबर ऑफ वंस कितनी बार है, 3। अगर मैं इसमें एक पैरिटी बिट जोड़ दू और इस पैरिटी बिट में वैल्यू 1 लिख दू तो नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, 4। क्लियर। तो ये कितनी, कौन सी पैरिटी बिट हो गई, पैरिटी बिट 2 टाइप की होती है बेसिकली। पैरिटी बिट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। कौन कौन से 2 टाइप की होती है, देखना पढ़ना, क्या लिखा हुआ है,
इवन ऑड अगर मैं इवन पैरिटी बिट की कंसिडरेशन में हूं, अगर मैं इवन पैरिटी बिट की कंसिडरेशन में हूं, तो वन कितने बार होना चाहिए था इस पूरी फील्ड में बेचते समय? चार बार होना चाहिए था, या दो बार होना चाहिए था, या छह बार होना चाहिए था? हमारा डेटा कितना है? पांच। तो ना छह बार हो सकता था, हाँ चार बार भले ही हो सकता था, और दो बार भी हो सकता था, या जीरो बार भी हो सकता था। तो हमने क्या किया, इस बिट में एक पैरिटी बिट अपनी मर्जी से ऐड कर दी, जिसकी वैल्यू क्या कर दी? वन। किसने किया? पैरिटी होती किस किसके बीच में? पैरिटी होती किस किसके बीच में है? पैरिटी होती है सेंडर टू, दिख रहा है, सेंडर टू रिसीवर, सेंडर टू रिसीवर। क्या करते हैं यहां पे, डेटा के साथ में पैरिटी बिट लगा के भेज देते हैं, डेटा के साथ में पैरिटी बिट लगा के भेज देते हैं, और उसको इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी में कंसीडर कर देते हैं। क्वेश्चन में गिवन हो जाता है या बता दिया जाता है, जनरली अपन इवन पैरिटी यूज करते हैं। अगर नहीं बता रहे तो आपको कंसीडरेबल है कि वो पैरिटी बिट क्या है, इवन पैरिटी है। कौन सी बिट है? इवन पैरिटी बिट। ओके, हमारे पास सेंडर ने अनुज आवाज आ रही है बेटा आपकी इधर से, और सॉरी सर, फ्रेंड्स सोनाली को ऐड कर लीजिए सर। सोनाली को बोलो रोल नंबर लिख कर आए। ओके सर। सेंडर ने रिसीवर के पास भेजा विद द हेल्प ऑफ पैरिटी बिट ऑफ इवन और ऑड, इसकी हेल्प से डेटा भेजा। ठीक है, अब छोटे छोटे एग्जांपल हम यूज करेंगे, अब छोटे छोटे एग्जांपल में हम कंसीडर करेंगे। अगर मैं आपको डेटा बिट दे रहा हूं तो सामने वाले के पास क्या जाएगा, ये हम देखेंगे यहीं पे। ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं कौन सी बिट, पैरिटी। क्या लिखा हुआ दिख रहा है सामने, कौन सी बिट पैरिटी दिख रही है? दिख रहा है सामने, कौन सी बिट पैरिटी दिख रही है? Even. अगर मेरे पास एग्जाम्पल वन, तो रिसीवर के पास क्या जाएगा डेटा? इसमें कितनी फील्ड है? फोर। रिसीवर के पास पैरिटी बिट ऐड करने के बाद कितनी फील्ड हो जाएगी? फाइव। टोटल फाइव फील्ड। पैरिटी बिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइव। ये पैरिटी बिट है, पैरिटी बिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर डेटा फील्ड ये? तो डेटा फील्ड एज इट इज अगर मैं मान रहा हूं कि अगर बिना एरर के गया है, तो पैरिटी बिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर मेरे पास इवन पैरिटी है तो? फोर। वन कितने टाइम्स होने चाहिए? इवन टाइम्स होने चाहिए। वन कितने टाइम होने चाहिए? इवन टाइम होने चाहिए। वन कितने टाइम है? वन टाइम। इवन करने के लिए क्या लिखूंगा मैं इधर पैरिटी बिट में? वन। क्लियर। सेकंड एग्जांपल, वन कितने टाइम है? सर जीरो। पैरिटी बिट में वैल्यू क्या जाएगी? वन जीरो। जीरो 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 जीरो। पैरिटी बिट में वैल्यू क्या जाएगी? सर टू टाइम वन जाएगा। क्यों? पैरिटी बिट बार हो सकती है सिर्फ सिंगल पैरिटी बिट बिटिंग देखा। जीरो जाएगा। जीरो जाएगा। जीरो 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 जीरो। ओके, तो इसमें एरर फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। पैरिटी बिट क्या जाएगी?